नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज हमारे अल्टीमेट इन्वेजन के बाद शुरू होती है, तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो सीरीज देख लो। एनीवेज तो ऊपर की बात करें तो मेकर ने अर्थ 6160 की काया पलट कर दी, इसलिए अब नई एवेंजर्स फॉर्म हुई है जिसमें है आयरन लैड, थॉर, सिफ, डॉक्टर डूम और फ्रोजन कैप्टन अमेरिका, जिन पर मेकर की बनाई हुई टीम मिसाइल फेंकती है क्योंकि वे लोग मेकर को बाहर निकालने पा रहे हैं। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वही जगह देखते हैं जहां पर अल्टीमेट्स को मारने के लिए मिसाइल फेंकी गई थी। हालांकि उस मिसाइल से अल्टीमेट जैसे तैसे बच गए, लेकिन इस मिसाइल के कारण बहुत से लोगों की जान गई है। तब यह देखकर टोनी स्टार्क कहता है कि हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जिस पर डूम टोनी से कहता है कि कैसे करेंगे। ये कहते हम वहाँ कैप्टन अमेरिका को देखते है जो अब भी फ्रोजन है। तो वही पास में थॉर भी था जो मैजिकल स्वॉर्ड के कारण घायल हुआ है। तभी हमें आयरन लैड की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आपके बिना 6 महीने हो चुके हैं डैड, और इस मेकर को बंद किए भी 6 महीने हो चुके हैं। आपके लिए ये 1000 साल होंगे, लेकिन हमारे लिए बस ये 6 महीने हैं। तभी टोनी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ठीक नहीं है, पर हम 6 महीने आगे आ चुके हैं और हमने देखा है कि 1000 लोग उस अटैक में मर गए हैं, और ये अटैक करने वालों ने हमारे जाते ही पूरे प्लेनेट पर अपना राज फैला दिया है और हमें आतंकवादी घोषित कर दिया है। हम इन सबसे लड़ने की हालत में नहीं है। जरा देखो थॉर की हालत क्या हुई है, और ऊपर से हमारे पास बस 18 महीने है। उसके बाद वो मेकर बाहर आ जाएगा, इसलिए हमें इन 18 महीनों में ही बहुत कुछ करना है। यह सब सुनने के बाद डूम और टोनी मिलके कैलकुलेशंस करने लगते हैं। तभी डूम टोनी से कहता है कि हमारे पास 2 साल थे जिसमें से 6 महीने खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब 18 महीने बचे हैं। जिस पर टोनी डूम से कहता है कि हम टाइम ट्रेवल करके 6 महीने आगे आ चुके हैं। जिस पर डूम कहता है कि हमारे पास टाइम मशीन है जैसे कि तुमने कहा था, क्या तुम उसे समझते हो? इस इमोर्टल इंजन से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक साथ रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें 4 डायमेंशन में सोचना होगा। ये मेकर ने जो गन फैलाई है वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी, क्योंकि जिस पल हमने उसके टेम्पोरल शील्ड को डिसेबल कर दिया उससे पहले के इवेंट्स हमारे पहुंच के बाहर है। जिस पर टोनी कहता है कि अगर ऐसा है तो हम पास्ट में जाके हम पर हुआ हमला रोक सकते हैं। जिस पर डोम कहता है कि एक बार हम उसे अटैक को रोक नहीं पाए तो क्या गारंटी है कि बार बार उस अटैक को रोक पाएंगे। ये सुनते टोनी कहता है कि मेरे पास इससे अच्छी आइडिया है। यह कहते हैं टोनी बोर्ड पे अल्टीमेट्स 1.0 लिखता है और कहता है कि हमें सुपर हीरो की टीम बनानी होगी। ये सुनते डूम टोनी को 616 के हीरो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इनकी तरह यह टीम बनाना चाहते हो। जिस पर टोनी कहता है कि मेकर ने जो किया है उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे हीरोज एक साथ आ जाए। जिस पर डूम कहता है कि और वो अर्थ नहीं है, यहाँ की बातें वहाँ से अलग है, और जो फाइल हमें मेकर से मिली थी उसमें कई सारे मर चुके हैं। जिस पर टोनी कहता है कि अगर ऐसा है तो उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। देखो मेकर उस सिटी में फंस गया है, यानी कि अगर वो जब बाहर आएगा तब उसके पास 1000 सालों का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 सालों का एक्सपीरियंस है। और रही बात इमोर्टल इंजन की, तो हाँ मैंने उसके बारे में सोचा, पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगर हम टाइम ट्रेवल भी कर ले तो हमारे सारे कैलकुलेशंस बिगड़ जाएंगे। जिस पर डूम टोनी से कहता है कि कैलकुलेशंस को मुझ पर छोड़ दो, हम इस अल्टीमेट्स को 6 महीने पहले ही बना देंगे जिससे प्रेजेंट में वो पहले से तैयार होंगे। उसके बाद टोनी स्पाइडरमैन के बारे में पता करता है और कहता है कि जब डूम अपने कैलकुलेशंस पे लगा था तब मैंने हीरोज को ढूंढना शुरू किया, और तब मैंने कैप्टन अमेरिका को बाहर निकाला। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अब बर्फ से बाहर आ चुका है, और वो बाहर आने के बाद टोनी से कहता है कि ये 2024 है ना, तो फिर अब प्रेसिडेंट कौन है। जिस पर टोनी कहता है कि अमेरिका तो कब की टूट चुकी है। ये सुनते ही कैप्टन बौखला जाता है, लेकिन फिर डूम और आयरन लैड उसे जैसे तैसे शांत करते हैं। फिर उसके बाद टोनी थॉर से मिलने आता है और देखता है कि सिर्फ उसके पास में बैठी हुई थी। तब टोनी सिर से पूछता है कि थॉर कैसा है, जिस पर सिर्फ टोनी से कहती है कि इस मैजिकल ब्लेड के कारण थॉर का घाव भर नहीं रहा है। ये कहते हैं सिर्फ टोनी को वहां से जाने को कहती है। फिर हम टोनी को देखते हैं जो 6 दिन बिना खाए बिना सोए सारे हीरोज के लिए ऑप बनाता है,
कुछ ऐसे ही हमने स्पाइडरमैन के इशू में देखा था। तभी सब कुछ देखकर कैप्टन अमेरिका कहता है कि इससे क्रांति कभी नहीं आएगी, उसके लिए बाहर निकलना होगा। और रही बात हीरोज की, तो वो बॉक्स से कभी बाहर नहीं आते हैं। जिस पर डूम कैप्टन से कहता है कि ये कोई क्रांति नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है जो इस दुनिया को हिला के रख देगी। जिस पर कैप्टन डूम से कहता है कि नहीं, ये क्रांति है और मैंने ऐसा पहले भी देखा है। जिस पर टोनी कैप्टन से कहता है कि ये समझने में भारी है, लेकिन यकीन मानो ये काम कर जाएगा। यह कहते टोनी टाइम ट्रैवल के जरिए उन सारे बॉक्सेस को सारे हीरोज के पास भेज देता है और फिर देखने लगता है कि अब प्रेजेंट में कौन कौन हीरो बन गया है। लेकिन तभी वो देखता है कि इनमें से सिर्फ स्पाइडरमैन ही था जिसने उस ऑप को उठाया और स्पाइडरमैन बन गया। तो वही बाकी हीरोज ने वो ऑप कभी उठाया ही नहीं और बचे कुछ ने उठाकर खुद की जान ही ले ली। यह सब कुछ देखकर टोनी समझ जाता है कि कैप्टन सही था। यह देखकर टू टोनी से कहता है कि तुम इस मामले में गलत हो, हमारी एक बार एक्सपेरिमेंट फेल हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार फेल होंगे। जिस पर टोनी डोम से कहता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, वहाँ जाने जा रही है, इसलिए मैंने तय किया है कि इमोटस इंजन को साइड में रखते हैं और मिलकर इस दुनिया को बचाते हैं। यह कहते हैं टोनी बोर्ड पे लिखा हुआ अल्टीमेट्स 1.0 को मिटाकर अल्टीमेट्स 2.0 लिख देता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम हैंक पिम और जैनेट को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे थे। तभी हैंक जैनेट से कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे चींटियों के सपने आ रहे हैं। जिस पर जैनेट हैंक से कहती है कि उसे भी सपने आ रहे हैं कि वो बहुत छोटी हो गई है। लेकिन तभी हैंक सामने देखता है कि कुछ आ रहा है, इसलिए वो तुरंत अपनी वैन रोकता है और देखता है कि सामने आयरन लैड खड़ा था जो हैंक और जैनेट से कहता है कि हमें बात करनी है। लेकिन तभी हैंक बिना सोचे तुरंत वैन को स्टार्ट करता है और आयरन लैड को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हैंक की वैन पर थॉर का हैमर आ गिरता है, जिसके कारण हैंक की वैन वहीं पर रुक जाती है और ऑफ बाहर आ जाता है। और तब उस केस में से टोनी कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, यहाँ बाहर अल्टीमेट्स आ चुके थे। और तब वे सब मिलके हैंक को रुकाते हैं। यहाँ अंदर हैंक और जेनेट को सारी सच्चाई पता चलती है। ये सुनकर वे दोनों हैरान थे। लेकिन तभी जेनेट बाहर आती है और टोनी को देखकर कहती है कि तुमने बहुत से लोगों को मारा है। जिस पर टोनी कहता है कि देखो तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि हाँ 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने वो स्वीकार नहीं किया जो हमने तुम लोगों के पास भेजा था और इसलिए हमें यहाँ तुम्हारे पास आना पड़ा। लेकिन तभी वहाँ कैप्टन ब्रिटन अपनी आर्मी को लेकर आता है। ये देखकर डूम कहता है कि कैप्टन ब्रिटन है जो मेकर के इनर सर्कल का हिस्सा है और उसके साथ ये ब्लैक क्रूसेड भी है। लेकिन तभी कैप्टन ब्रिटन अपनी आर्मी के साथ अटैक कर देता है। यहाँ हैंक और जैनेट उन ऑप्स को बाहर निकालते हैं और देखने लगते हैं। इधर कैप्टन ब्रिटन आयरन लैंड पर अटैक करता है तो वही थॉर और सिफ कैप्टन ब्रिटन की आर्मी को खत्म कर रहे थे। इधर जैनेट अपना ऑप उठाती है और एक्टिवेट करती है, जिसके कारण जैनेट के पास अब नया सूट और पावर्स आ चुकी थी। ये देखकर वो उड़ने का प्रयास करती है लेकिन श्रिंक होकर गिर जाती है। लेकिन फिर भी जैनेट खड़ी होती है और अल्टीमेट्स की मदद के लिए जाती है। यहाँ कैप्टन ब्रिटन आयरन लैंड का हेलमेट तोड़ देता है तो वही डूम और जैनेट मिलकर कैप्टन ब्रिटन के लोगों को मार रहे थे। इधर हैंक अपना ऑप उठाता है और सोचने लगता है तो वही आयरन लैड अपनी एनर्जी ब्लास्ट से कैप्टन ब्रिटन को दूर फेंकता है। इधर थॉर अपने थंडर का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार गिराता है, लेकिन उसके कारण वो और कमजोर हो चुका था। तो वही हैंक उस ऑप को ही देख रहा था। तभी कैप्टन अमेरिका हैंक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने वेरिएंट को देखकर परेशान हो, तुम्हें लगता है कि तुम भी उसकी तरह बन जाओगे, लेकिन ये तुम्हारा फैसला है। और जरा सोचो, तुम्हें अगर ऑप नहीं चाहिए था तो तुमने इस ऑप को फेंका क्यों नहीं। या कैप्टन ब्रिटन आयरन लैड को नीचे गिराता है और कहता है कि तुम मेरे सामने कमजोर हो, मैं लुईस 14 के राज से जीता आ रहा हूँ, मेरा एम्पायर तो अंकल लुईस से भी बड़ा है, एवलन मेरा है और वहाँ के सारे होली सिंबल्स को मैंने मौकरी बना दिया है, आर्थर के राउंड टेबल को तोड़ के मैंने उसे भट्टी में डाल दिया, लेडी ऑफ लेक को मैंने अपनी दासी बनाया है और होली ग्रेल उसे मैंने अपना चेंबर पॉट बना दिया है, मैंने अनगिनत सोल को अपने पैरों तले रौंद दिया है जिसमें अब तुम भी शामिल हो चुके हो। यह कहते हैं कैप्टन ब्रिटन टोनी के गले पर अपना पैर रखता है। लेकिन तभी टोनी अपनी पूरी ताकत लगाकर कैप्टन ब्रिटन के पैर से अलग हो जाता है और कैप्टन ब्रिटन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ अकेला हूँ। यह कहते हैं कैप्टन ब्रिटन वहाँ कुछ देखता है और शॉक रह जाता है। और तब हम देखते हैं कि हैंक ने वो अब एक्टिवेट कर दिया था, जिसके कारण वो अब जायंट मैन बन चुका है और वो अगले पल अपना पैर कैप्टन ब्रिटन के आर्मी पर रख देता है और उन्हें कुचल देता है। ये देखकर कैप्टन ब्रिटन वहां से भाग जाता है, लेकिन उसकी आर्मी अब खत्म हो चुकी थी। एंड दैट्स इट, ये इश्यू यह कंटिन्यू होता है।